नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक्निकल बच के फ्रेशल एपिसोड में और यहाँ पर लेकर आया हूँ आज आपके लिए कमाल की टेक्निक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला अपडेट आता है रियलमी को लेकर, जहाँ पर रियलमी 18 नवंबर को लॉन्च करेगा अपना नया फोन रियलमी एक्स टू प्रो। इसमें लगा होगा 855 प्लस प्रोसेसर, इसमें लगेगी एक 12 GB की रैम प्लस 60 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा और लगा होगा एक क्वाड कैमरा का सेटअप। इसी फोन को ताकत देने के लिए इसमें लगी होगी 4000 mAh की बड़ी बैटरी। तो आप मुझे बताइए, आप रियलमी के बारे में क्या सोचते हैं, इसे लेना पसंद करते हैं या नहीं, नीचे कमेंट्स में लिख डालिए। अगला अपडेट सैमसंग को लेकर, जहां पर सैमसंग जल्दी लेकर आ सकते हैं अपना एक नया फोन सैमसंग A51 को, जिसमें लगी होगी 6 GB की रैम, ऑक्टा कोर प्रोसेसर होगा, एक्सनोस 9611 का प्रोसेसर। आप मुझे बताइए, अगर यह फोन इंडिया में अवेलेबल होता है आप इस फोन को लेना पसंद करेंगे या नहीं, ऊपर दिए गए पोल में नीचे कमेंट्स में सभी बातों को मिलाकर एक लाइक का बटन दबा ही दीजिए बड़े प्यार से। अगला अपडेट एप्पल को लेकर, जहां पर एप्पल ने गुड बाय करती है अपने 15 इंच के मैकबुक प्रो को। अब इसकी जगह अब नए मैकबुक प्रो आएंगे जो कि होंगे 16 इंच के और इसकी कीमत US में $2000 है। तो इंडिया में इसे कन्वर्ट करते हैं तो एक 1,72,000 इसकी प्राइस बनती है, लेकिन बेसिकली इसकी प्राइस इंडिया में 2 lakh से कम नहीं होगी। तो आप मुझे बताइए, अगर ये लैपटॉप आपको इंडिया में अवेलेबल हो तो आप इस लैपटॉप को लेना पसंद करेंगे या नहीं, नीचे कमेंट्स में लिख ही डालिए अपनी मन की बात। कॉल ऑफ ड्यूटी को लेकर, जहां पर कॉल ऑफ ड्यूटी इंडियंस के लिए पहला पसंद बन गई है पबजी की जगह। तो आप मुझे बताइए, आप दोनों में से कौन सी गेम खेलते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते थे या पबजी? तो नीचे कमेंट्स में लिख ही डालिए कि आपको गेम कौन सी अच्छी लगती है, आप खेलते हैं या नहीं खेलते कॉल ऑफ ड्यूटी। तो बस फिलहाल के वीडियो में इतना ही। जाने से पहले मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, शेयर और नीचे कीजिए कमेंट। जय हिंद, वंदे मातरम।